बंगाललाई तृणमूल नेत्री तथा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले हिंसाको बाटोमा लगिरहेको भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव विजय वर्गीयले आज गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आज बागडोग्रा विमानअड्डामा आइपुगेपछि तिनले यस प्रकारको मन्तव्य व्यक्त गरेका हुन्। पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा तिनले मुख्यमन्त्री ममताले केन्द्रको राजनीतिमा ध्यान नदिएर बङ्गालकै राजनीतिमा अधिक ध्यान दिनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्रीले गर्छु अथवा मार्छु भन्ने नारा लगाउँदै बङ्गाललाई हिंसाको बाटोतिर लगिरहेको पनि तिनले आरोप लगाए। बङ्गालका मानिसहरूले गणतन्त्रमा विश्वास गरे तापनि तृणमूल नेत्री ममताले गणतन्त्रमा नभएर हिंसामा अधिक विश्वास गरेको पनि तिनले बताए। यसको साथै राज्यमा भाजपा विजयी भएर सत्तामा आएको खण्डमा यहाँका सबै राजनीतिक हिंसा बन्द गरेर पारदर्शी राजनीति गर्ने पनि तिनले दावी गरे। बङ्गाल शिक्षाको क्षेत्रमा हाल पछि परेको तिनले दावी गर्दै नीट र जेईई परीक्षाको लागि 90% विद्यार्थीहरू तयार रहे तापनि यसमा मुख्यमन्त्री ममताले नै बाधा दिइरहेको तिनले बताए। तिनले बङ्गाललाई झै विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई पनि नष्ट गर्न चाहन्छन् भनी कैलाश विजयवर्गीयले आरोप लगाए। हमें मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी का विश्वास होगा, डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और टीएमसी का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते हैं प्रदेश बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करें। दीदी, दादा ममता जी ने और काफ़ी सारी चीफ मिनिस्टर्स ने जीएसडी और नेट का एग्ज़ाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिले करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है। पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी, एजुकेशन हो, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात। विरोधियों का साथ ये इसके लिए होगा। ने ये भी कहा है कि बीजेपी कोरोना पेंडेमिक तो ठीक है, मगर पॉलिटिकल पेंडेमिक कर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं देश में। वो तो प्रदेश बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी तो उनकी प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं, अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की, इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिमी बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ममता जी है।